आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्रीराम एग्रोटेक में। किसान भाइयों, आज अपन लेके आए हैं स्वराज 843XM, जो 3-स्टार है। किसान भाइयों, कंपनी ने ये ट्रैक्टर नया लॉन्च किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दमदार, जो 45 HP में। किसान भाइयों, मैं ट्रैक्टर की बात करूँ तो पहली बात तो कंपनी का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको कि जो स्वराज ट्रैक्टर है वो स्वतंत्र भारत का पहला ट्रैक्टर है जो स्वदेशी निर्मित है, जिस जो 1976 में इसका निर्माण हुआ है। कंपनी भी इस पर अपना लोगो लगा के देती है, साइंस 1976 ये कंपनी का लोगो है। किसान भाइयों, ये देखिए कि कंपनी ये जो सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने भारत में निर्माण किया है पूर्ण ट्रैक्टर। ये किसान भाइयों, मैं आप बात करूँ आपकी इसकी, तो 4-व्हील ट्रैक्टर दिया है, बहुत ही बढ़िया। इसमें टायर जो है 8-3-20 के दिए हैं किसान भाइयों, इसमें जो टायर है आगे के वो 8-3-20 के दिए हैं। और मैं किसान भाइयों बात करूं तो जो इसका फ्रंट एक्सल है वो बहुत ही हैवी ड्यूटी, मैं आपको दिखाऊं इसका फ्रंट एक्सल बहुत ही हैवी ड्यूटी दिया है, जो पानी में भी बढ़िया सर्विस देता है। इसमें ग्रीसिंग पॉइंटिंग दिए हैं और इसको घूमने के लिए काफ़ी स्पेस दिया है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में एक और सिस्टम कर दिया, जो साइड गियर सिस्टम कर दिया। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊँ, ये देखिए इसमें साइड गियर सिस्टम दे दिया, ये अपना PTO का डायरेक्ट क्लच है, और इससे अपन इसको रिवर्स कर सकते हैं और ऑटो रिवर्स कर सकते हैं। मल्टी PTO किसान भाइयों जो साथ में आता है, ये स्वराज ट्रैक्टर वही ट्रैक्टर है जो पहले अपना आता था, बस इसको मॉडिफाई करके किसान भाई की सुविधा के अनुसार इसको बहुत ही बढ़िया सेटअप कर दिया है। किसान भाइयों, अब मैं आपको एक बार इसको चला के दिखाता हूँ मशीन को किसान भाइयों, और इस ट्रैक्टर की धमकी मत दिखाऊंगा मैं अभी आपको। किसान भाइयों, मैंने अभी आपको ये 7 फीट का गड्ढा खोद के दिखाया, जो 18 इंची चौड़ाई है और 7 फुट गहराई है इसकी। किसान भाइयों, मैंने आपको अभी इसको जो चला के दिखाया है, बहुत ही स्मूथ चला है। इसमें हमने हेवी ड्यूटी गेयर बॉक्स काम में लिया है, जो शक्तिमान का है। किसान भाइयों, ये देखिए इसे पूरा 7 फीट गहरा और 18 इंची चौड़ा गड्ढा करके दिखाया है। किसान भाइयों, हम जो इसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो मैंने पहले भी बताया है, हम इसमें बढ़िया क्वालिटी का लोहा उपयोग में लेते हैं। इसके जो नट बोल्ट हैं वो देखो सारे CNC है किसान भाइयों, मतलब जो भी हैं सब लॉक सिस्टम है, अंदर बुशिंग सिस्टम है। किसान भाइयों, हमने जो भी इसको पूरा इसकी जो अपन बात करें मजबूती की, तो किसान भाइयों मजबूती के लिए हमने इसमें पूरी बढ़िया प्लेट दे के और आगे पीछे सपोर्ट लगाया, ताकि जो भी हार्ड एरिया है किसान भाइयों, अपन बात करें मतलब जितना भी मजबूत जितना हार्ड एरिया है वहाँ किसान भाई ट्रैक्टर तो बढ़िया ले लेता है, लेकिन जब उसको बनाने वाला जो मिस्त्री होता है उसकी एक दो गलतियों की वजह से किसान भाइयों वो मशीन सक्सेस नहीं हो पाती, जिससे वो हर जगह से परेशान हो जाता है। इसमें 2-3 गलतियाँ हो जाती है। अब अपन बात करें कि ट्रैक्टर में अगर क्लच प्लेट डालनी हो किसान भाइयों, तो अपनी जो मशीन में एक नट ये खोलो, एक नट उधर का खोलो, क्लच प्लेट आगे चली जाएगी। हमने यहाँ से इतनी व्यवस्था की है कि किसान भाई को क्लच प्लेट डलाने में 15 से 20 मिनट लगे, और हमने इसके साथ साथ हर जगह ग्रीसिंग पॉइंट दिए हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने हाइट के लिए, किसान भाइयों हमने इसमें हाइट के लिए देखिए, इसमें तीसरा बूम जो कीली से चलता, इसका कीली बाहर निकालो और तीसरा बूम अंदर बाहर होगा, ये यहाँ से निकालो अंदर बाहर होगा। इसमें हमने पोल के सपोर्ट के लिए ये चैनल दी है, ताकि पोल ड्राइवर पे नहीं आए, ट्रैक्टर की तरफ नहीं आए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी दी है। किसान भाइयों, और आपसे किसान भाइयों मैं फिर से अनुरोध करूँगा,
आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए किसान भाइयों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर जो है 9351234101 पे भी संपर्क कर सकते हो, और किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो किसान भाइयों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। ओपीयू चालू हो।